धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं व बहनों, आज का विषय ईशु उपनिषद है। इस उपनिषद का प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य सिद्धनम्। इस संसार में जो संसार है, इस जगत में जो जगत है, उस जगत का आधार ईश्वर है। ईश्वर के द्वारा ही ये संसार बसा हुआ है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे की धन की आकांक्षा मत करो। ध्यान रहे, मनुष्य की तृप्ति धन धान्य से कभी हो ही नहीं सकती। न वित्ते न तर्पणियो मनुष्यः, मनुष्य धन धान्य से कभी तृप्त नहीं होता। परंतु आज भौतिकवाद का दौर है, अध्यात्म कहीं पीछे छूटता जा रहा है। धन कमाने की होड़, साधन संपत्ति माया को बटोरने की होड़, उनको भोगने की तीव्र इच्छा, इन सब के बीच में कहीं हम अपना वास्तविक लक्ष्य भूलते जा रहे हैं। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, धन से संसार के सुख और भोग मिल सकते हैं, परंतु आत्मा को जिस अमरता की तलाश है, जिस मुक्ति की तलाश है, वो धन से प्राप्त नहीं होता। ईशु उपनिषद आत्मा की अमरता का संदेश देता है। जीवन की यात्रा बड़ी कठिन है, अंधकार पूर्ण है, किधर जाएं, कौन सा रास्ता सही है, ऐसे प्रश्न सभी के मन में उठते हैं। नचिकेता के हृदय में भी ऐसे प्रश्न उठे, मैत्री के हृदय में भी, हम सबके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं। क्या है अमरता का मार्ग? ये दुनिया का गोरख धंधा क्या है? क्या है वो वस्तु जिसकी हमें तलाश है? हमारी जन्म जन्मांतर की यात्रा किसके लिए है? सत्य क्या है? इस बात को जो पकड़ लेता है देर सवेर, उसे अपना मार्ग मिल ही जाता है। ये मंत्र भी यही बात कह रहा है कि ईश्वर सारे संसार में बसा हुआ है और सारा संसार ईश्वर के द्वारा बसा हुआ है। जहां तक भी हम नजर डालें, देखें, ब्रह्मांड के दूर दूर तक भी देखें, जहां जहां थोड़ी थोड़ी भी हलचल है, परमात्मा वहां तक है। वो कण कण में बसा हुआ है। तेन त्यक्तेन भुञ्जिता, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। उस असीम अनंत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस जीवन को त्यागमय बनाओ। इस जीवन के गोरख धंधे में फंस कर न रह जाओ। थोड़ा वैराग्य की भावना, थोड़ी त्याग की भावना हम इस भवसागर के जाल से, माया से मुक्त कर सकते हैं। ये सोच लो अच्छी तरह है कि ये धन किसका है जिसने ये संसार बसाया है? ये शरीर रूपी साधन, नरतन रूपी धन, ये भी उस परमात्मा का दिया हुआ है। हम सभी लोग उन्नति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन उन्नत हो, प्रगति करे। हमारी प्रगति हमारी प्राचीन सभ्यता में छुपी हुई है। आज के इस भौतिकवाद की दौड़ में हम अपनी प्राचीन सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हमारी सभ्यता हमारी श्रद्धा पर निर्भर है। हमारी श्रद्धा हमें अध्यात्म की ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है, तब से लेकर आज तक श्रद्धा, विश्वास और अध्यात्म की इस ज्ञान ने ही मनुष्य को मनुष्यता का मार्ग दिखाया है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि लोग एक ही बात कहते आ रहे हैं, इह चेद वेदित अथा सत्यम अस्ति, न चेद वेदित महती विनष्टे। अगर इसे यहाँ इस जन्म में पा लिया तो ठीक, इसे किसे, इस आत्मा को, इस आत्मा की मुक्ति को, इसकी अमरता को इसी जन्म में, इसी जीवन में पा लिया तो ठीक, नहीं तो महाविनाश। भौतिकवाद की ठोकरे खाते खाते ये जीवन ऐसे मार्ग की ओर बढ़ता जाता है जहां अंधकार है, जहां पशु लोक है, जहां मानवता समाप्त होकर पशुता प्रारंभ होती है। ये भौतिकवाद एक ऐसा मार्ग है। आत्मा की खोज करने वाले यदि
भौतिकवाद की इस दल दल से थोड़ा भी ऊपर उठकर श्रद्धा और विश्वास के साथ चले तो इस जीवन में सदगति निश्चित है। अगर हम सब ये अच्छी तरह समझ लें कि सारे संसार का स्वामी कोई एक परमात्मा है तो हम संसार को किस दृष्टि से देखेंगे। हमें समझ में आ जाएगा कि हम सब उसी का दिया खाते हैं, उसी का दिया पीते हैं, उसी का दिया हुआ काम में लाते हैं। ये शरीर, ये प्राण सब उसी का दिया हुआ है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, तारे, इन सब में जो गति है, एक एक परमाणु में जो गति है, उस गति को कोई देने वाला है, कोई ईश्वर है, कोई स्वामी है, कोई मालिक है। वो स्वामी कहीं अलग बैठा नहीं है, वो सब कण कण में समाया हुआ है। वो आप में, मुझ में, अनंत विश्व में, असंख्य लोगों में वो बसा हुआ है। इस पिंड से लेकर उस ब्रह्मांड तक इस सारे संसार का वही मालिक है। उस मालिक, उस स्वामी की वस्तु को अपना समझना ये चोरी है। जो दूसरे के धन को अपना समझे ये लोभ वृत्ति है। इस लोभ का त्याग करना जरूरी है। सब कुछ उसी का है ये समझ लें। जो समझ लेता है वो संसार में निर्लेप, निसंग, आनंद से अपनी जीवन यात्रा को व्यतीत करता है। सब कुछ उसी का है ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। सब काम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगले मंत्र में कहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जी विशेषतगम समाहा एवं त्वयि नानिधितो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि मनुष्य कर्म करे, निष्काम कर्म करे, और कर्म करते हुए इस संसार में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, जबकि इतिहास में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण पढ़ते हैं जब भारत में 100 से अधिक आयु के व्यक्ति रहा करते थे। आज भले ही औसत आयु कम हो गई है, परंतु विश्व के कई देशों में सामान्य से अधिक आयु 100 वर्ष से ऊपर जीने वालों की संख्या भी है। यहाँ इस मंत्र में ये नहीं है कि 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष पूरे हो जाएं तो स्वर्ग लोक सिधार जाए। 100 वर्ष यहाँ प्रतीकात्मक है कि न्यून से न्यून 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें कर्म करते हुए। न्यूनतम 100 वर्ष इस संसार में, इस संसार को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए, और इस जीवन को समझने के लिए, और इस जीवन से जुड़े हुए हर संबंधों को समझने के लिए 100 वर्ष पर्याप्त है। इसलिए कम से कम 100 वर्ष तो अवश्य जीना चाहिए, पर खाली बैठकर नहीं, कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए। सब कुछ उसी ईश्वर का दिया हुआ है, इस त्याग भावना को भी समझते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। जो ये समझ लेता है कि 100 वर्ष मुझे मिले हैं, 100 वर्ष तो मैं जीऊंगा ही, इन 100 वर्षों में मैं करूंगा क्या, क्या मुझे करना है, क्या मेरे लिए नियत कर्म है, क्या मेरे लिए कर्तव्य कर्म है, उस कर्म को करते हुए, उस कर्तव्य कर्म को करते हुए मैं 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करूं। कर्म यदि वास्तव में कर्तव्य भाव से किया जाए तो उसके निष्काम होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ इस मंत्र में यही भाव आया है कि इस प्रकार निष्काम कर्म मनुष्य को बांधता नहीं है। वो कर्तव्य कर्म तो करेगा, परंतु कर्म के फल उसको बांधेंगे नहीं। यदि वह यह समझता है, यह मान लेता है कि ईसा वास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, कि जहां तक भी ये संसार गतिमान है, चल रहा है, वहां तक परमात्मा की गति है, ऐसा मानकर अपने जीवन को कर्तव्य कर्म में लगाते हुए जो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता है वो 100 वर्ष की आयु को अवश्य पूरा करता है।
यदि हम चाहते हैं कि इस जीवन में 100 वर्ष के उपरांत हमें परम मुक्ति प्राप्त हो, आत्मा कर्म के फलों के परिणाम स्वरूप किसी बंधन में दोबारा ना फंस जाए, तो उसे निष्काम कर्म करना होगा। इसके बिना कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, यहां नर शब्द का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। नर शब्द में न और र दो अक्षर है। न र इसका अर्थ है न रमण करने वाला नर। नर वही है जो रमा ना करे, जो इस भवसागर में न रम जाए, न फंस जाए, कर्म करता हुआ मुक्त हो जाए, वही नर है। और निष्काम भावना भी तभी होती है, निष्काम कर्म भी तभी संभव है, जब रमण करने की भावना ना रहे। असुरिया नामाते लोका अंधेन तमसा वृताः, तांस्ते प्रत्याभि गच्छन्ति ये के चा आत्महनो जनाः। जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं, विमरकर गहरे अंधकार से आवृत अंधकार लोकों को प्राप्त होते हैं। आत्मा अजर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। परंतु जो मनुष्य आत्मा का हनन नाश करते हैं, अर्थात जो आत्मिक भाव का, आत्मा में उठने वाले प्रश्नों का, आत्मा की जो स्वाभाविक मुक्ति है, उसके मार्ग का हनन करते हैं, वे मरकर पशु लोकों को, कीड़े मकोड़ों की योनियों को, जहां अज्ञानता है, अंधकार है, ऐसे संसार को जाते हैं। इसलिए हमें कर्म कैसा करना चाहिए जिससे आत्मा का विकास हो, आत्मा मुक्ति के मार्ग पर चले, आत्मा को आत्मिक आनंद प्राप्त हो, आत्मा को निजी अमरता प्राप्त हो, शाश्वत अमरता, शाश्वत मुक्ति प्राप्त हो। क्योंकि सीमित कर्मों का फल सीमित होता है, इसलिए आत्मा भी मुक्ति भाव को दीर्घ काल तक ही भोगती है। परंतु दीर्घ काल तक मुक्ति भाव में रहने वाली आत्मा आत्मिक रूप से इतनी विकसित, इतनी शक्तिशाली, इतनी ओजस्वी, तेजोमय हो जाती है कि वो बारंबार के जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसती। वो शाश्वत काल के लिए मुक्ति भाव में विद्यमान रहती है। जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा की बात को नहीं सुनते, जो नहीं सुनते कि उनकी आत्मा किसी कार्य को करने से पहले उनके अंदर भय, लज्जा और शंका उत्पन्न करती है, जो नहीं सुनते अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं और अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाते हैं, वे अपनी आत्मा का हनन करते हैं। जो हिंसा करते हैं, जो असत्य बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, जो आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करते हैं, जरूरत से ज्यादा संपत्ति को अर्जित करते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, ये लोग आत्मा का हनन करते हैं, आत्मा का नाश करते हैं। जो अपनी भौतिक उन्नति को ही सब कुछ मानकर अपना जीवन जी रहे हैं, जिनके भीतर अध्यात्म की एक किरण भी नहीं है, ईश्वर भक्ति का एक छोटा सा दिया भी जहां नहीं जल रहा, ये लोग आत्मा का हनन कर रहे हैं, आत्मा का नाश कर रहे हैं। आत्मा का नाश करने वाले, आत्मा का हनन करने वाले ये लोग ना तो संसार को प्राप्त होते हैं, ना ही संसार के सुख संपत्ति और भोगों को प्राप्त होते हैं। इनका अंत बड़ा कष्टदायक होता है, इनकी अंतिम गति बड़ी रुलाने वाली होती है, असहनीय होती है। इनकी गति नीचे के लोगों को होती है, पशु योनियों को होती है, कीट पतंग कीड़े मकोड़ों की योनियों में होती है। इसलिए ऋषियों मुनियों की जो बार बार चेतावनी दी जाती है, उसी का स्मरण हमें करना चाहिए। यह चेद वेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद वेदित महति विनष्टि। अगर इसे, इस आत्मा को यहाँ इस जन्म में पा लिया तो ठीक,
नहीं तो महाविनाश। अनै जदैकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठति तस्मिन्नपो मातिरश्वा ददाति। हम सभी के पास कितना समय है, कितना जीवन है, ये किसी को नहीं मालूम। जो समय भक्ति का मिला उसमें पूर्ण भाव से समर्पित हो जाओ। केवल आत्मा के विषय में सोचो। संसार को देखते देखते तो भौतिक उन्नति हो ही जाएगी, परंतु जो क्षण ठहर गया है, इस ठहरे हुए क्षण में जितना आत्मा के विषय में जानने का प्रयास करोगे, जितना परमात्मा के विषय में जानने का प्रयास करोगे, वही प्रयास, वही आत्मिक भाव, वही ईश्वरीय भाव हमें मुक्ति तक ले जाएगा। वो परमात्मा कंपन नहीं करता, परंतु मन से भी अधिक वेगवान है। ईश्वर को समझना बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। मन से हम उसे पकड़ नहीं सकते, बुद्धि से हम उसे पकड़ नहीं सकते। जो मन की कल्पनाओं के घेरे में आएगा, वो स्वरूप जो बुद्धि के द्वारा मंथकर स्वरूप सामने आएगा, वो रूप परमात्मा का नहीं हो सकता। परमात्मा इस बुद्धि और मन के वेग से, उनकी कल्पनाओं से, उनकी तर्क शक्तियों से बहुत परे है। वो परमात्मा कंपन नहीं करता, उस परमात्मा में कोई कंपनता नहीं है, वो हिलता डुलता नहीं है, वो ठहरा हुआ है। परंतु मन से भी कहीं अधिक गतिवान है, वेगवान है, बुद्धि से भी अधिक पहना है, तीक्ष्ण है। ये आंखें उसे देख नहीं सकती, ये कान उसे सुन नहीं सकते, ये शरीर उसे छू नहीं सकता, ये भौतिक इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती। वो इन इंद्रियों को बनाने वाला है, इस शरीर को बनाने वाला है, परंतु ये शरीर उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। मन सक्षम नहीं है, बुद्धि सक्षम नहीं है। वो परमात्मा ठहरा हुआ है और अनंत स्वरूप वाला है, इसलिए कितना ही दौड़ लगाते जाएं, उसे पार नहीं कर सकते, उसे हरा नहीं सकते। वो चारों दिशाओं में, दशों दिशाओं में अनंत फैला हुआ है। उसी परमात्मा के कारण इस संसार में वायु गति कर रही है। और चमत्कार देखिए, वायु हल्की है, पानी भारी है, वायु हल्के होते हुए भारी से भारी पानी को, समुद्र के भारी जल राशि को हवा में उठा लेता है। इसलिए कि जल से सूक्ष्म वायु है, इसलिए कि परमात्मा हम सब से सूक्ष्म है, प्रकृति से भी सूक्ष्म है, इसलिए पूरे संसार को उसने उठा रखा है, थाम रखा है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदा अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो चलता है परमात्मा, चलता है पर नहीं चलता। परमात्मा बहुत दूर है, परमात्मा निकट भी है। वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। यही इस उपनिषद के प्रारंभ में कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम्। वही संसार के कण कण में बसा हुआ है। अगर वह कण कण में बसा है, संसार के कण कण में गतिमान है, विद्यमान है, तो उसकी गति कैसी? वो तो पहले से ही मौजूद है, जो हिलता नहीं है, परंतु मन से भी अधिक गतिवान है, तीव्र गति वाला है, जिसे इंद्रियां, आंख, नाक, कान ये प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु जिससे आंख, नाक, कान चलते हैं, ऐसे अद्भुत परमात्मा को, परमात्मा तत्व को जो मनुष्य पा लेता है, जो मनुष्य समझ लेता है, वो मनुष्य कामनाओं को त्याग कर निष्काम हो जाता है, निष्काम कर्म करने वाला हो जाता है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनम् ततो न विजुगुप्सते। जो मनुष्य इस अध्यात्म पथ पर चलता हुआ आत्मा को, परमात्मा को स्वीकार कर लेता है, फिर वो एक एक वस्तु के अंदर, कण कण में,
और एक एक क्रिया में, प्रकृति की लीला में, अग्नि में, वायु में, जल में, आकाश में, पृथ्वी में, सब भूतों में, सब जीवों में एक आत्मा को देखना शुरू कर देता है और एक परमात्मा को सारे संसार में देखना प्रारंभ कर देता है। वो निष्काम कर्म योगी हो जाता है। वो कोई पाप नहीं करता क्योंकि वो जान लेता है जहां कोई नहीं है वहां परमात्मा है। परमात्मा की दृष्टि है, परमात्मा देख रहा है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक कण से वो झांक रहा है। जब कोई देख रहा होता है तब मनुष्य पाप कर्म नहीं करता, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति त्रुटि नहीं करता, कोई गलती नहीं करता, क्योंकि परमात्मा देख रहा है। उसकी प्रेरणा से, उसकी कृपा से उसका कर्म निष्काम कर्म हो जाता है। हम पाप तभी करते हैं जब समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा। जब परमात्मा प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कण में विद्यमान है तो ये भाव सबको पाप से अलग करवा देता है, पाप कर्मों से रहित कर देता है। अगर सारे संसार के मनुष्य, सारे राष्ट्र, सारे देश इस वैदिक ज्ञान को, इस आध्यात्मिक पूंजी को अपनी शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ दे तो संसार में पाप कर्म, हिंसा के कर्म, चोरी के कर्म बहुत कम हो जाएंगे या तो या पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जब संसार का हर मनुष्य आध्यात्मिक हो जाएगा, किसी भौतिक स्पर्धा में नहीं पड़ेगा, किसके लिए करना है, किसके लिए झगड़ा करना है, किस लिए चोरी करनी है, जब ऐसे विचार व्यक्ति को आंदोलित करेंगे तब वह बुरे कर्म, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, इन सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा। जो लोग गलत कार्य करते हैं ईश्वर उनको प्राप्त नहीं होता, वो परमात्मा से बहुत दूर चले जाते हैं, वो अंधकार के लोकों में जाते हैं, पशु पक्षियों की योनियों में जाते हैं, मनुष्य होने का अधिकार उनसे प्रकृति छीन लेती है। यही नियम है, यस्मिन सर्वाणि भूतान्य आत्मैवा भूत जानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वा मनुपश्यतः। जिस जानने वाले के ज्ञान में, जिस आत्मयोगी के, जिस निष्काम कर्म योगी के ज्ञान में सब भूत आत्मवत हो गए, अर्थात जो अग्नि में, जल में, वायु में, प्रकृति के कण कण में परमात्मा को देख लेता है, परमात्मा भाव में ही सृष्टि को देखता है, जो देख लेता है कि कण कण में ईश्वर बसा हुआ है, वो सब जीवों में, असंख्य जीवों में, असंख्य मनुष्यों में, असंख्य प्राणियों में एक आत्मा को, एक ईश्वर को देख लेता है, तो उसे ना तो संसार का मोह रहता है और जब ये शरीर छूटता है ना ही उसे शोक रहता है। जीवन है तो मोह कैसा, जीवन नहीं तो शोक कैसा। आत्मा अमर है, परमात्मा शाश्वत है। जिसने ये समझ लिया है कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, सभी जगह विद्यमान है, सह परमात्मा प्रयागात, जहां भी हमारी दृष्टि जाती है वहां तक व्याप्त है, सह परमात्मा शुक्रम शुद्ध है, सह परमात्मा अकायम शरीर से रहित है, किसी बंधन में नहीं है, सह अवर्णम वो किसी विकार से ग्रसित नहीं है, सह अस्नाविरम वो नस नाड़ियों के बंधन में नहीं है, सह शुद्धम वो शुद्ध है, पवित्र है, सह अपाप विद्धम पापों से रहित है, सह कवि उक्रांत दर्शी है, भविष्य दर्शी है। परमात्मा वेद रूपी काव्य का तो निर्माता है, सह स्वयं भू स्वयं सत्ता वाला है, उसे कोई उत्पन्न नहीं करता, स यथा तथ्यता अर्थान वेदता, जैसा जिस पदार्थ को बनना है, जिसकी जैसी रचना होनी है, सूर्य को जहां होना है, चंद्रमा को जहां गति करनी है, पृथ्वी को जितनी दूरी पर ठहरना है,
27 नक्षत्रों की जहां जहां केंद्रित होना है, 12 राशियों को जहां जहां स्थापित होना है वहीं पर स्थापित करता है। ऐसा वो अनंत काल से करता आ रहा है। इस सृष्टि का प्रवाह अनंत युगों से, अनंत काल से चला आ रहा है। सारी सृष्टि का प्रबंध वही कर रहा है। हम सब जीवों के जो जो कर्म हैं, उनके जो जो फल हैं, वो सब परमात्मा विधि विधान से देता आता रहा है। अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूया इवाते तमो या ओ विद्यायां रताः। जो समझ लेते हैं कि भौतिकवाद सब कुछ है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड, यही सब संसार है, खाओ पियो मौज करो, वो गहरे अंधकार में पहुंचते हैं। और जो ये समझते हैं कि ईश्वर के भजन पूजन में ही दिन रात बीतने चाहिए, और जो भौतिक जगत की परवाह नहीं करते, जो शरीर की रक्षा नहीं करते, जो अपने परिवार की रक्षा नहीं करते, जो राष्ट्र की रक्षा नहीं करते, जो समाज की रक्षा नहीं करते, जो मानव धर्म की रक्षा नहीं करते, जो इस भौतिक जगत को नकारते हैं, वे उससे भी गहरे अंधकार में पहुंचते हैं। अन्य देवाहु विद्या अन्य आहु अविद्या इति सुश्रम अधीराणाम ये नस्तद विचशक्षिरे। अध्यात्म की विद्या से कुछ और फल मिलता है और भौतिकवाद की अविद्या से कुछ और फल मिलता है। जो गंभीर लोग हैं, मनीषी लोग हैं, भौतिकवाद और अध्यात्मिकवाद के विषय में जो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा ही सुनते आए हैं। अध्यात्म की उपासना कुछ और फल देगी, भौतिक संसार की उपासना कुछ और फल देगी। विद्याम चा विद्याम चा यस्तत वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। जिन्होंने विद्या और अविद्या अर्थात भौतिक और अध्यात्म दोनों को एक साथ समझा है कि दोनों एक साथ चलने चाहिए, जिन्होंने अपनी भौतिक उन्नति भी की है और आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहे हैं, जिन्होंने धर्म से पैसा कमाया, जो अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने समाज को अपनी कर्तव्य कर्म से पाल रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और अपना जीवन का दिनचर्या का एक भाग आध्यात्मिक उपासना में लगा रहे हैं, उनकी दोनों उन्नति साथ साथ चल रही है। वो हर तरह के दुख से, हर तरह के मृत्यु के भाव से तर जाते हैं। जिन्होंने अपनी भौतिक उन्नति पहले कर ली और वो अध्यात्म ज्ञान को भी, उसके अमृत को चखना चाहते हैं, उन्होंने वास्तव में इस संसार के रहस्य को समझ लिया है। परंतु आध्यात्मिक वृत्ति, आध्यात्मिकता का भाव ये जीवन के बाद के भाव में नहीं आएगा। जो लोग ये समझते हैं कि 50 साल के हो जाएंगे, उसके बाद ईश्वर का भजन पूजन ध्यान समाधि करेंगे, अभी पैसा कमा लेते हैं, गलत। भौतिकवाद का ये प्रभाव इतना तीव्र है, यदि अभी से अभ्यास नहीं किया, दो घड़ी का समय अभी से नहीं दिया, तो 50 साल के बाद कोई संभावना नहीं है कि आपके अंदर अचानक ईश्वरीय भाव, आत्मा को प्राप्त करने का भाव जग जाए। और इस बात की कोई आश्वासन भी नहीं देगा कि 50 साल के बाद आप जीवित रहेंगे। इसीलिए अभी इसी समय अभी से जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति को साथ साथ चलाना चाहते हैं, वही इस संसार के सुख और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूया इवाते तमो या ऊ संभूत्या रतः। जो असंभूति व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं, वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्यक्तिवाद क्या है? व्यक्तिवाद है कि मैं अपने लिए जीऊं। हम में से बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि अपना कमा रहा हूं, अपना खा रहा हूं। जो ऐसा सोचता है कि मैं अपने लिए जोड़ूं, अपने लिए खाऊं, अपना ही सब कुछ, ये स्वार्थ की भावना है,
ऐसे व्यक्ति जो ऐसी विचारधारा के हैं वे गहन अंधकार में जाते हैं। इसके विपरीत जो संभूति अर्थात समष्टिवाद समाजवाद इस विचारधारा को मानते हैं वो भी गहन अंधकार में जाते हैं। जो सब कुछ कहते हैं समाज का है तो ऐसा व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है, कर्म से रहित हो जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी भी दूसरों पर थोप देता है। दोनों का समन्वय जरूरी है। अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर संभवाद इति सुश्रमा धीराणाम ये नस्तद्वीच चक्षीरे। संभव समष्टिवाद का फल कुछ और है, असंभव व्यक्तिवाद का फल कुछ और है। हमारे मनुष्यों ने जो व्याख्या की है ऐसा ही लोग सुनते आए हैं। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशीन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतं अश्नुते। जो संभूति समष्टिवाद समाजवाद और असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद इन दोनों को एक साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, अर्थात अपने लिए भी सोचे और समाज के लिए भी सोचे कि मैं अपना भला तो करूं परंतु दूसरों का भी भला हो, मेरी भी उन्नति हो और समाज की भी उन्नति हो, अपनी भी परवाह करे और दुनिया की भी परवाह करे, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के प्रवाह को तर जाता है, अमृत को प्राप्त होता है। जीवन के कई प्रसंगों की गुत्थियां बड़ी उलझी रहती हैं। क्या करें क्या ना करें, किस विचारधारा को अपनाएं, किधर जाएं कहां जाएं, परमात्मा को किस रूप में माने, संसार को किस रूप में देखें। वास्तव में ये दुनिया ये संसार विचित्र माया है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यसा पिहितं मुखं तत्त्वं प्रसन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सोने चांदी की तरह चमक वाले ढक्कन से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषा नक्षत्र, हम उपासक लोग जो अपनी उन्नति चाहते हैं, जो अपनी आत्मा की मुक्ति चाहते हैं, तो ये सत्य का मुख ये माया आवरण हटा दे। यहां इस मंत्र में जो लोग चाहते हैं कि इस जीवन में माया के बंधनों से मुक्त हो जाएं, उन्हें चाहिए कि सत्य के दर्शन के लिए परमात्मा के दर्शन के लिए इस माया के आवरण को हटा दे, क्योंकि चमक धमक वाले माया के आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। इस पर्दे को हटा दे, इस संसार को हटा दे, संसार के पीछे संसार के पर्दे के पीछे जो परमात्मा छुपा हुआ है उस शाश्वत सत्य को जान ले। पुष्णे कर्षे यमा सूर्य प्रजापत्य व्यू रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम यत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषा सोहम अस्मि। जब सत्य की खोज करते करते कोई भक्त परमात्मा को पा लेता है, माया के आवरण को उसके पर्दों को गिरा देता है, तब उसके सामने सूर्य के पीछे छुपे हुए सूर्य अपने शाश्वत प्रकाश के साथ प्रकट हो जाता है। यहां इस मंत्र में जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब कैसे भाव उस साक्षात्कार करने वाले योगी के मन में उसकी आत्मा में उठते हैं ये समझाया गया है। हे पुष्टि देने वाले परमात्मा, हे सब ऋषियों के आराध्य देव यम, हे सूर्य, हे प्रजापति, हे परमात्मा, आपका प्रकाश जो चारों ओर फैल रहा है उसी प्रकाश के कारण ये संसार प्रकाशित हो रहा है। मैं अब तक समझता था सूर्य से लेकर नक्षत्रों तक ये प्रकाश प्रकृति का प्रकाश है, परंतु यह प्रकाश तो आपका है। मैं तो सब कुछ प्रकृति को माने बैठा था, मैं समझता था कि प्रकृति ही सब कुछ है, परंतु इस प्रकृति के पीछे आप ही का प्रकाश है। हे परमात्मा, आपके तेज के प्रकाश के एक जगह इकट्ठे हो जाने से
मैं आपका कल्याण करने वाला तेजस्वी पुरुष रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। आपका यह पुरुष रूप ज्योतिर्मय रूप कितना अद्भुत है, जो तेज आपके भीतर प्रकट हो रहा है। हे परमात्मा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे अंदर भी वही ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। मैं भी वही हूँ। सोहम, जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो तत्व आत्मा में है वही भाव परमात्मा में है, वही तेज परमात्मा में है। बड़ा अद्भुत रहस्य सामने आया है। जिस शरीर में हम जी रहे हैं, जिस शरीर को हम दिन रात भोग रहे हैं, उस शरीर एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, परंतु इस शरीर के भीतर, इस शरीर से ऊपर एक प्राण शक्ति है, वो अमर है। वायुरा अनिलम, प्राण वायु जो प्रकृति का बना नहीं है, जो जीवात्मा का प्राण है, वो अमृत है। वायुरा अनिलम अमृतम अथा इदम, और यह भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्म होने वाला है। जिस शरीर के साथ हम दिन रात जी रहे हैं, ये शरीर भस्म होने वाला है, और शरीर से ऊपर एक प्राण शक्ति है, वो अमर है। ओम क्रतोस्मरा कृतम स्मरा, क्रतोस्मरा कृतम स्मरा। ये शरीर तो जब तक भस्म नहीं हो जाता तभी तक है, परंतु उसके बाद हे कर्म करने वाले जीव, तू इस प्राण को जान, इस शाश्वत अमर प्राण को जान, आत्मा को जान, और अपने द्वारा कृत कर्म को जान। अपने कर्मों को स्मरण कर, अपनी आत्मा को स्मरण कर। ओम अग्नि नय सुपथा राई अस्मान विश्वानि देव वयुरानि विद्वान यो धस्म जुहुराण मेनो भूष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्नि, हे परमात्मा, हे देव, तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो। हे परमात्मा, हे प्रभु, तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जो कुटिल ना हो। जो पाप मार्ग है वह हमसे दूर कर दो। हमारी अंतरात्मा का युद्ध कराकर हमें उस मार्ग से पृथक कर दो जो पाप की ओर ले जाता है, जो अंधकार की ओर ले जाता है। हे प्रभु, तुझे हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम।